हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप देखने वाले हो वेस्टर्न बॉटम वेयर, जिसमें से कुछ मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और कुछ मीशो से। तो वही सारी बॉटम वेयर मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पुराने भी हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखेंगे हमारे पास जो मीशो की प्रोडक्ट है। मीशो से मैंने जो भी बॉटम वेयर मंगाए हैं सबसे पहले उनको देखेंगे, उसके बाद फिर फ्लिपकार्ट के बॉटम वेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट पीस। सबसे पहले आपको मैं ये स्कर्ट दिखाती हूँ, इसे मैंने मीशो से मंगाया है। इसकी जो भी प्राइस और डिटेलिंग होगी वो आपको साइड में स्क्रीन पे शो हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे हैं, सभी के प्राइजेस मुझे नहीं याद है तो मैं सारे के प्राइस आपको स्क्रीन पे डाल दूंगी। ये है वो स्कर्ट, ब्लैक एंड वाइट कलर की। ये रैप स्कर्ट है, ये पूरी ऐसे ओपन हो जाती है। इसमें बहुत ही अच्छे प्रिंट बने हैं, इसे शायद ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं। इसमें एलिफेंट्स बने हैं, पूरा इंडियन प्रिंट है ये। एलिफेंट्स है, फ्लावर्स है, लीव्स है, बहुत ही एथनिक सा वाइब देती है ये। इसके साथ आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों लुक कर सकते हो। इसमें आपको ये दोनों साइड से बेल्ट मिलेगी, इसका फ्लेयर काफी ज्यादा है। इसे आप रैप करोगे ना तो बहुत अच्छी खासी फ्लेयर आएगी इस स्कर्ट के साथ। और इसमें अगर आप कितने भी मोटे हो, हेल्दी हो, आपको ये टाइट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रैप स्कर्ट है तो हर साइज के लोग इसे वेयर कर सकते हैं। पतले हो तो भी ये आपको ढीली नहीं लगेगी, और हेल्दी हो तो भी आपको ये टाइट नहीं आने वाली है, आपके साइज के अकॉर्डिंग ये फिट हो जाएगी। तो फर्स्ट है ये पीस। मटेरियल इसका कॉटन है। प्राइस और वेयर करने के बाद इसका लुक कैसा आता है वो भी आपको साइड में शो हो रही होगी। और इसे कैसे वेयर करते हैं, अगर आपको नहीं पता इसे वेयर कैसे किया जाता है पर आप लेना चाहते हो, तो मेरे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड है जिसमें मैंने बताया है कि रैप स्कर्ट को कैसे रैप किया जाता है, कैसे इसे वेयर करते हैं। और उस वीडियो में 6 डिफरेंट स्टाइल बताया, मतलब एक स्कर्ट से आप 6 डिफरेंट स्टाइल में वेयर कर सकते हो। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए, आप लोग को बहुत हेल्पफुल लगेगी वो वीडियो। तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पीस। तो गाइस ये है वो नेक्स्ट पीस। इसमें मेरा साइज है 30। इसमें बहुत सारे साइजेस अवेलेबल हैं तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग देख लेना। इसका कलर ग्रीन, डार्क ग्रीन है, मेहंदी के कलर के जैसा। इसमें ब्लैक कलर से प्रिंट भी है, जैसे फौजी लोग के ड्रेसेस होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही प्रिंट में है ये। इस टाइप के प्रिंट वाले पैंट्स अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो इसलिए मैंने भी इसे मंगाया। बहुत ही अच्छी लगी है मुझे, इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका। इसमें आपको इलास्टिक मिल रही है कमर पर, दोनों साइड, फ्रंट एंड बैक बोथ साइड इलास्टिक है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये फीते भी मिलते हैं टक करने के लिए। इसमें पॉकेट भी है, दोनों साइड पॉकेट है, पॉकेट की स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें मोबाइल तो इजीली आ जाएगा। उसके बाद भी अगर आप कुछ और भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। इसकी लेंथ जो है वो एंकल लेंथ तक आएगी, नीचे साइड में ये इतनी चौड़ी है तो उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ट्रायल आपको स्क्रीन पर शो हो रही है तो आप वहाँ से देख सकते हो कि ये वेयर करने के बाद इसका लुक कैसा आता है। बाकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसका जो भी कोड होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप भी अगर इसे परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में कोड देख के आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हो। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पीस। नेक्स्ट पीस है ये वाइट कलर की पैंट, वाइट पे ब्लैक कलर की ये चेक्स बने हुए हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये कुछ ऐसा लुक देती है। इसमें आप देख रहे हो फ्रंट और बैक बोथ साइड इलास्टिक लगे हैं। इसमें भी मेरा साइज 30 है,
इसमें भी आपको बोथ साइड पॉकेट मिल जाती है, दो पॉकेट है इसमें। जेगिंस, ये जेगिंस है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेचेबल है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें आप देख रहे हो पॉकेट के ऊपर में इस तरह से स्टोन्स लगे हैं, डिजाइन बनी है जो बहुत ही अच्छी लुक देती है। यहाँ पे गोल्डन कलर की आपको शो हो रही होगी, गोल्डन एंड ब्लैक कलर के स्टोन्स लगे हैं। नीचे से ये इतनी चौड़ी है, एंकल लेंथ तक आएगी ये, तो इसका भी फिटिंग बहुत ही अच्छा है। ट्रायल आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, इसका जो प्राइस है वो भी मैंने शो कर दिया है स्क्रीन पे। तो ये है इसका लुक। अगर आपको भी ये बॉटम वेयर अच्छी लगी हो, अपने लिए परचेज करना चाहते हो, तो इसकी जो भी कोड होगी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, आप मीशो से ऑर्डर कर सकते हो और अपने लिए परचेज कर सकते हो। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पीस। मीशो की जो भी प्रोडक्ट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्लिपकार्ट की आइटम, फ्लिपकार्ट से मैंने क्या क्या मंगाया है। तो सबसे पहले जो फ्लिपकार्ट की प्रोडक्ट है वो है ये ब्लैक कलर की जेगिंस। ब्लैक कलर ऐसा कलर है कि हर किसी के वार्डरोब में एक ब्लैक कलर की बॉटम वेयर तो होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये किसी भी कलर के साथ मैच कर जाता है, सभी कलर के साथ अच्छी लगती है ब्लैक कलर। कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बस आप एक ब्लैक कलर डाल लो और उसके बाद आप बाहर जाने के लिए रेडी हो। तो चलिए इसकी डिटेलिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले इसका आप लुक देखो, आगे से कितनी प्यारी है। इसमें आपको फ्रंट और बैक बोथ साइड इलास्टिक लगे हुए हैं, काफी चौड़ी इलास्टिक लगी है इसमें। इसमें आपको ये स्टाइल के लिए दिया है ये सारे, इसमें इसमें कोई पॉकेट अवेलेबल नहीं है। ये जो भी आपको शो हो रहे हैं चेन्स, जिप, ये सारे ओनली फॉर शो पर्पस है, ये कुछ भी इसमें नहीं है। आप देखो Only for show purpose ही है, पर ये काफी अच्छे लगते हैं वेयर करने के बाद। इसका जो भी प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। इसमें ऐसा कोई जिप नहीं, ये जेगिंस है तो जेगिंस में तो ज्यादातर जिप नहीं होती है। तो ये बेसिक सा ब्लैक कलर है, बहुत ही अच्छी फिटिंग है इसकी, स्क्रीन पे आपको शो हो रही होगी वेयर करने के बाद ये कैसी लगती है। नीचे में आपको ये इतना चौड़ा मिलेगा, एंकल लेंथ है इसका। मटेरियल इसका बहुत ही अच्छा है, स्ट्रेचेबल है, ये बहुत ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे ऑर्डर कर सकते हो, मैंने इसे 30 साइज में ऑर्डर किया था, जो मुझे बहुत ही अच्छी फिट आई है। तो अगर आप मेरे जैसे हो तो 30 ऑर्डर कर सकते हो, और बाकी आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पीस। फ्लिपकार्ट की जो नेक्स्ट बॉटम वेयर है वो है ये जींस। ये जींस मैंने ग्रे कलर में मंगाया है, थोड़ी सी शेडेड है ये, डार्क ग्रे और लाइट ग्रे। ऐसी है ये भी, बहुत ही स्ट्रेचेबल है। इसमें मेरा साइज 30 है, इसकी जो प्राइस है वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, या किसी भी वेदर में पहन सकते हो, ये कुछ ऐसी है। इसमें आपको पूरे 4 पॉकेट्स मिल रहे हैं और एक कॉइन पॉकेट्स भी है इसमें छोटी सी। बाकी आगे फ्रंट साइड में 2 पॉकेट्स हैं और बैक साइड में भी 2 पॉकेट्स हैं। बाकी इसका लुक आपको ट्रायल में क्लियर हो रहा होगा। और इसके नीचे से इसकी चौड़ाई इतनी है, ये भी एंकल लेंथ की जींस है, तो वेयर करने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये जींस। अगर आपको परचेज करनी हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हो। इस वीडियो का जो लास्ट पीस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसको शेयर करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, कौन सा पीस आपको पसंद आया है वो भी बताएं कमेंट में। तो फिर चलिए देखते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट पीस, वो है ये
ये भी जेगिंस है, थोड़ी सी बरगंडी कलर में है ये। इसको मैं ओपन करती हूँ और अच्छे से इसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कुछ ऐसा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और सारे बॉटम वेयर से अलग है ये थोड़ा। इसमें आप देख रहे हो इसकी कमर की जो चौड़ाई है वो कितनी ज़्यादा है। ये हाई वेस्ट जेगिंस है, इसमें आप देख रहे हो ना कमर पे तो इतने चौड़े से इलास्टिक लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है। इसमें आपको यहाँ पे 3 बटन्स लगे हैं, यहाँ पे आप प्लेट्स देखो, यहाँ पे प्लेट्स बने हैं थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए। इस साइड भी बोथ साइड आपको प्लेट्स मिलेंगे। इसमें पॉकेट्स है, पॉकेट्स में स्पेस में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो मोबाइल इसमें इजीली आ जाएगी। ये है इसका फ्रंट लुक। इसमें नीचे की साइड से इसका जो चौड़ाई है वो इतनी आएगी। ये कपड़ा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्ट्रेचेबल है तो आप इसे अपने साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर करना। वैसे मैंने इसे अपने से एक साइज बड़ा ऑर्डर किया है। सारे जो जितने भी बॉटम वेयर मैंने आपको पहले दिखाया वो 30 थी, ये मैंने 32 ऑर्डर किया है क्योंकि जेगिंस थोड़ा ज़्यादा फिटेड होती है तो मुझे उतना फिटेड नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने अपने साइज से एक साइज अपर मंगाया है। आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, पूरा फिटिंग चाहिए तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ही मंगाना, और अगर थोड़ा सा लूज चाहते हो तो एक साइज बड़ा मंगा लेना। बैक साइड में आप देखो, बैक साइड में ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पॉकेट्स नहीं है, पॉकेट्स की तरह दिख रहे हैं पर ये पॉकेट्स नहीं है, ओनली फॉर शो पर्पस है तो ये ओपन नहीं होगी, इसके अंदर आप कुछ रख नहीं सकते हो। बाकी इसका लुक तो बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसे आप शर्ट के साथ चाहो तो पहन सकते हो, कोई भी अच्छी टॉप के साथ पहन सकते हो, ये फॉर्मल लुक के लिए भी बहुत ही अच्छी है। ट्रायल्स का जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसका जो इसके लिए मैंने जो पे किया है वो भी मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया है। बाकी इसका जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे ऑर्डर कर लेना। ये है इसका फुल लुक। तो आज मैंने जितने भी बॉटम वेयर आपको दिखाए हैं सारे की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मीशो की भी फ्लिपकार्ट की भी। तो आपको जो भी पसंद आई हो वो आप डिस्क्रिप्शन के जाके उसकी डिटेल देख सकते हो। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलती हूँ आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।